हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनबॉक्स टेबल। तो आज हम बात करने वाले हैं iOS 14 GM के बारे में। तो यहाँ पे एप्पल ने GM लॉन्च कर दिया है। थोड़ी देर पहले ही एप्पल का इवेंट था जिसमें उन्होंने अपने नए iPad लॉन्च किए हैं और एप्पल वॉच सीरीज 6 एंड SE लॉन्च किया है। उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पे हमें iOS 14 का GM देखने को मिल गया है। GM अगर आप डेवलपर हैं या अगर आप पब्लिक बीटा टेस्टर हैं तो ही आपको देखने को मिलेगा, और फाइनल रिलीज़ जो सब पब्लिक के लिए है वो आपको 16th को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन जो है वो अपडेट हो चुका है iOS 14 GM में। तो चलिए देखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस को हम एग्री कर लेते हैं। कंटिन्यू। स्वाइप अप टू गेट स्टार्टेड। तो ये जो है ये iOS 14 यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो अबाउट में जाके देखेंगे तो आपको इसका बिल्ड नंबर जो आपको देखने को मिलेगा वो है 18A373। यही बिल्ड नंबर आपको फाइनल रिलीज में देखने को मिल जाएगा जो कि 16th September को रिलीज़ होगा, क्योंकि US में अराउंड ये सुबह आता है 10-11 के अराउंड। तो आपको इंडिया में रात को 11 बजे के अराउंड ये अपडेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि US और इंडिया के जो टाइम गैप है उसको कंसिडर करें तो हमें ये अपडेट रात को देखने को मिलेगा इंडिया में। तो बात कर लेते हैं क्या क्या है iOS 14 में। तो सबसे पहला जो अट्रैक्शन है वो है ऐप लाइब्रेरी, जिसमें कि आप यहाँ से अगर स्वाइप डाउन करते हैं तो ये लिस्ट व्यू आ जाता है, वरना आपको यहाँ पे एक बहुत सही ग्रिड सी मिलती है देखने के लिए यहाँ पे, जिसमें आपको सजेशंस मिल जाती हैं एंड रिसेंटली एडिड का ऑप्शन है। तो इसमें ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकता है, जैसे कैटेगराइजेशन है, यूटिलिटीज, सोशल, ये सब खुद होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। ये इनका सॉफ्टवेयर खुद कैटेगराइज कर देता है। और जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है विजिट्स का। विजिट्स आप टैप करके रखिए, प्लस पे क्लिक कीजिए, ये आपके विजिट्स आ गए। सो जो यहाँ पे देखेंगे आप तो अपडेट साइज़ जो मुझे मेरे आईफोन 10 पे मिला वो 3.86 GB का था। तो आपके डिवाइस पे डिपेंडिंग कौन सा डिवाइस है वेरी कर सकता है। ये आईफोन 10 यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इस पे मुझे 3.86 GB का मिला था। आईफोन स्टोरेज जो कि मेरी पहले फ्री थी वो 106.8 GB थी। अपडेट के बाद आप यहां पे जैसे देख सकते हैं 107.6 है, तो थोड़ा स्टोरेज फ्री हुआ है क्योंकि बीटा वर्जन में मोस्टली कुछ सिस्टम फाइल्स एक्स्ट्रा रहती हैं, रेजिड्यूरी फाइल्स होती हैं जो कि फाइनल रिलीज़ में डिलीट हो जाती है। तो जैसा आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत स्पेस मुझे एक्स्ट्रा यहाँ मिल चुका है। तो आगे देखते हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं iOS 14 में। तो एक चेंज है कि सीरी अब ऐसे कॉम्पैक्ट व्यू में आता है, आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग को, लेकिन अब सीरी पूरी स्क्रीन नहीं लेता है। ऐसे ही कॉल्स भी ऊपर बैनर की तरह आते हैं, पूरी कॉल्स स्क्रीन नहीं लेते, तो आप अपना बाकी काम कर सकते हैं। पिक्चर इन पिक्चर है, ऐप क्लिप्स हैं, iOS 14 भरा हुआ है फीचर्स के साथ। आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बेहद पसंद आएगा। फ्लुएंसी भी बहुत सही है, एकदम नया जैसा लगेगा फ़ोन अगर आप SE को भी अपडेट करते हैं। 6S से ऊपर जितने भी फ़ोन हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं iOS 14 के साथ। तो iOS 14 काफ़ी फ्लूइड है, बैटरी लाइफ भी अब बढ़िया है, क्योंकि हम iOS 14 के स्टेबल वर्जन पे, GM और स्टेबल में कुछ फ़र्क नहीं होता, GM वर्जन ही पब्लिक को रिलीज़ किया जाता है। एक दो दिन इसलिए एक्स्ट्रा दिया जाते हैं कि अगर GM में कुछ फॉल्ट हो बाय चांस तो वो पब्लिक रिलीज से पहले रिजॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत रेयर चांस होता है। तो यही GM बिल्ड आपको देखने को मिलेगा, आपका यहाँ पे ये बिल्ड नंबर है 18A373। तो ये थी वीडियो गाइस iOS 14 के बारे में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। बाय बाय।